बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही मुनफरिद स्टाइल के चिकन नगेट्स बनाने जा रहे हैं, जो छोटों और बड़ों सबको बहुत पसंद आते हैं और बहुत इजी तरीके से बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुँचे सबसे पहले, सबसे जल्दी। और हाँ दोस्तों, लाइक और कमेंट करना हरगिज़ ना भूलिएगा। चिकन नगेट्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले 2 किलो बोनलेस चिकन चाहिए, 2 स्लाइस ब्रेड के, नमक, सफ़ेद मिर्च पाउडर, लहसुन पाउडर, दूध, अंडा और पार्सले चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चॉपर में बोनलेस चिकन डाल दें, साथ में ब्रेड के स्लाइस डाल दें, नमक, सफ़ेद मिर्च, पार्सले, ड्राई लहसुन पाउडर, 1 अंडा और थोड़ा सा दूध। सब 1 टीस्पून लेके इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें। साथ में थोड़ा सा ऊपर से आप वेजिटेबल ऑयल डाल दीजिए। ये हमारा मिक्सर अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अभी इसको एक बाउल में निकाल के 1/2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। अब एक पिज़्ज़ा पैन या इस तरह की स्टील की प्लेट लेकर तमाम मिक्सचर को इसके साथ ऊपर अच्छी तरह लगा दें। लेयर थोड़ी थिक रखनी है और पानी बॉईल करके उसके ऊपर ये प्लेट रख के स्टीम कर दें। 5 से 10 मिनट में ये मिक्सचर स्टीम हो जाएगा और ठंडा होने पर आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं। ये मेरे पास सांचे हैं, आप किसी भी तरह का सांचा ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। आप इसको नाइफ़ की मदद से भी कट कर सकते हैं। ये शेप ये आपकी मर्ज़ी, आपने जिस तरह बनाने हैं, लेकिन ये याद रखिए कि थोड़ी थिकनेस अच्छी होनी चाहिए, तभी ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। कटर से कटिंग करने के बाद ये जो मिक्सचर हमारा बच जाएगा, इसके साथ हम मज़ेदार वेजिटेबल कबाब बनाएंगे। वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह बनाने हैं। अब हम इन नगेट्स की कोटिंग करते हैं। अंडे में 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च मिक्स कर लें, साथ में थोड़ा सा दूध ऐड कर लें। अब सबसे पहले मैदा, फिर अंडा और लास्ट में ब्रेड क्रम्स लगाना है। इन सब को इसी तरह लगा कर रख दें। एक पैन में ऑयल गरम कर लें। इन नगेट्स को हमने डीप फ्राई करना है। आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम नगेट्स डाल दें। इन नगेट्स को गोल्डन होने तक फ्राई करते जाएं। इन्हें बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से स्टीम में हाफ कुक हैं।
अब इन्हें डिश आउट कर लें। जी फ्रेंड्स, ये देखें हमारे चिकन नगेट्स तैयार हैं। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के बटन को प्रेस करें। ये देखें ये कितने सॉफ्ट और कितने जूसी और कितने मज़े के बने हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।